वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आर दे चीटेड ऑन यू। क्या ये पर्सन जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना आए हैं, क्या ये पार्टनर आपको चीट कर रहा है? आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, लव टू कॉन्टैक्ट हो सकता है, आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन आप लोग के बीच गैप आता जा रहा है। तो क्या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है? क्या ये पर्सन किसी और को डील कर रहा है आपके अलावा? ये अपना टाइम किसी और को देता है, ठीक है? अब ये एक्स, न्यू और क्रश आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, ठीक है? मैं किसी एक्स का नाम लेकर या किसी क्रश का नाम लेकर या किसी करंट पार्टनर का नाम लेकर नहीं निकाल रही, करेक्टिव है, जनरल रीडिंग है, ठीक है? टैरो से पता चलेगा ये किसकी रीडिंग किसकी एनर्जी पे हो रही है, ठीक है? तो अगर स्टोरी लाइन आपकी है, एनर्जी आपके पे हो रही है, तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है? ये आपकी रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? माइंड में रखिएगा, जितनी रेजोनेट करे उतनी आप रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें, जितना पार्ट है उतना ले लें, ठीक है? तो टाइमलेस है, लेट्स सी, देखते हैं क्या होने वाला है। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से है। वहाँ पर जाके आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शॉर्ट कंटेंट होता है तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है? 58 to 59 सेकंड का वहाँ पर कंटेंट होता है, आज भी अपलोड की है मैंने रीडिंग्स, ठीक है? तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लॉन्ग टॉपिक्स लॉन्ग रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पर शॉर्ट टॉपिक्स शॉर्ट रीडिंग्स होती हैं, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। उस चैनल के लिए कुछ न्यू मैं सोच रही हूँ कि साइंस पे वहाँ पर मैं रीडिंग्स अपलोड करना स्टार्ट करूँ, जैसे कि आपके एरीज के लिए वहाँ पर एरीज, वर्गो, टॉरस, सारे 12 जोडियक साइन के लिए डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे शॉर्ट रीडिंग्स, मतलब कि लॉन्ग में आप मैं अपलोड करना स्टार्ट करूँ, ठीक है? आपके जोडियक साइन के हिसाब से सोचा है, देखें क्या होता है, ठीक है? चले देखते हैं आपके पर्सन क्या आपको चीट कर रहे हैं। जिस वक्त जिस पर्सन से आप राइट नाउ इस वक्त कनेक्टेड हैं, आप जिस पर्सन को माइंड में रखा है आपने, क्या वो पर्सन आपको चीट कर रहा है? आपका एक्स, न्यू, आपका क्रश कोई भी हो सकता है, ठीक है? आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ कोई भी हो सकती है, ठीक है? तो कोई लेबल नहीं है इस रीडिंग पे कि ये मैरिज वाले नहीं देखेंगे या अनमैरिड वालों की रीडिंग है, ठीक है? तो आप किसी भी सिचुएशन में हैं, ठीक है? आपका रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी है, आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं, ठीक है? ओके, मेडिटेट करें अपने पर्सन को। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन में, मेरे व्यूवर के माइंड में जो पर्सन है, क्या वो उनको चीट कर रहा है? क्या आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं राइट नाउ? जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो पर्सन आपको चीट कर रहा है? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। इंस्पायरेशन, आपके पर्सन बहुत जल्दी लोगों से इंस्पायर हो जाते हैं, आपके पर्सन को इंटेलिजेंट लोग बहुत पसंद हैं, ठीक है? यहाँ पे इंस्पायरेशन, आपके पर्सन एक स्पार्क, यहाँ पे एस ऑफ वैंड वाली एनर्जी है, ठीक है? काफ़ी आपके पार्टनर के अंदर एक इंस्पायर होने वाली काफ़ी एनर्जी है, ठीक है? ये पर्सन एक इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी, इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़ को पसंद करता है। क्लैरिफाई करेंगे, रेस्ट, आप लोग के रिलेशनशिप में कोई गैप है, रेस्ट है, ठीक है? एक रीबर्थ, आप इस रिश्ते के एक रीबर्थ का वेट कर रहे हैं। क्लैरिफाई इंस्पायरेशन, ये पर्सन एरीज लियो सैजिटेरियस साइन का हो सकता है, खुद एक बहुत ज़्यादा एक पैशनेटिव पर्सनैलिटी है और पैशनेटिव लोग इसको ब्यूटी पसंद है, ठीक है? इसको एक चार्मिंग पर्सनालिटीज पसंद है, ठीक है? क्लैरिफाई इंस्पायरेशन, यहाँ पर क्या मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में जो पर्सन है, क्या वो उनको चीट कर रहा है राइट नाउ? ये पर्सन थोड़ा सा अपनी लाइफ में एक स्ट्रेस से गुजर रहा है, ठीक है? किसी किसी तरीके के स्ट्रेस से गुजर रहा है और अपनी लाइफ में किसी तरीके के स्ट्रेस को रिलीज कर कर एक न्यू बिगनिंग, एक फ्री होना चाहता है, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर कोई चीज़ ख़त्म कर रहा है, अपनी लाइफ में कोई टॉक्सिसिटी को एंड कर रहा है, ठीक है? टॉक्सिक, कोई टॉक्सिक साइकिल या टॉक्सिक कनेक्शन एंड कर रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में। कोई जालिस है आप दोनों के रिश्ते से, शायद इस पर्सन को किसी और का इस रिश्ते पे नज़र रखना आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग करने नहीं देता, ठीक है? कोई हॉन्ट करता रहता है, कोई ना कोई, कोई ऐसा है जो आपके पार्टनर के साथ जिसके एक एक नेगेटिव कनेक्शन है, आपके पार्टनर जिस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई वहाँ पर टॉक्सिक कनेक्शन है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, वहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है? उस रिश्ते में या तो फैमिली का ड्रीम देखा गया था, ठीक है? यहाँ पर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी मुझे नज़र आ रही है, कोई डार्कनेस नज़र आ रही है, कोई इल्यूजन वाला रिश्ता है, कोई टॉक्सिसिटी है, कुछ कोई डेथ, ठीक है? आपके पर्सन जैसे किसी सिचुएशन से आगे बढ़ रहे हैं, कोई यहाँ पर कोई सिचुएशन आपके पार्टनर की ख़त्म हो रही है, कोई कार्मिक टॉक्सिक
कोई सिचुएशन हो सकती है जो एंड हो रही है, और ये फैमिली की तरफ से भी ऐसा हो सकता है, कोई मैरिज थी वो एंड हो रही है, कोई फैमिली की तरफ से पर्सन था जिसके साथ आपके पार्टनर गए, फैमिली के कहने पे आपके पार्टनर ने उस रिश्ते को निभाना स्टार्ट करा, लेकिन वहाँ टॉक्सिसिटी बहुत है। ठीक है, आपके पर्सन किसी स्ट्रेस से फ्री होना चाहते हैं, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहते हैं, किसी बर्डन से फ्री होना चाहते हैं। आपके पार्टनर ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा भी और निभाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे डार्कनेस बहुत थी, टॉक्सिसिटी बहुत थी, वहाँ पर सेल्फिशनेस बहुत थी, तो वो सिचुएशन खत्म हो रही है। यहाँ पर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी थी, ठीक है, आपके पार्टनर किसी स्ट्रेस से गुजर रहे थे, थी नजर आ रहा है, आपके पर्सन उस सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, डिटैचमेंट आ रही है, एक डार्क फेस एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर फैमिली भी हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है, वहाँ पर किड्स भी हो सकते हैं, किसी मजबूरी के तहत आपके पर्सन वहाँ कनेक्टेड रहे, वहाँ जुड़े रहे अपनी फैमिली की वजह से, या आपके पार्टनर की खुद की फैमिली उस रिश्ते में जुड़ी हुई थी। ठीक है, आपके पर्सन कैसा हो सकता है, वहाँ पे खुद की फैमिली भी कनेक्टेड हो सकती है, लेकिन आपके पर्सन को स्ट्रेस है, आपके पर्सन के ऊपर एक स्ट्रेस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, शायद आपके पार्टनर ने आपको निग्लेक्ट करके अगर वहाँ पर मैरिज हुई हुई है तो उसको निभाने की कोशिश करी, अगर वहाँ पर किड्स है तो उनको उस उनकी वजह से उस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश करी। ठीक है, आपके पर्सन एक स्मार्ट पर्सन है, एक स्मार्ट पर्सनालिटी है, ठीक है, मतलब कि एक बहुत ज़्यादा एक लीडरशिप क्वालिटीज है, काफ़ी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी है ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन किसी सिचुएशन को ब्रेक करना चाह रहा है, ये किसी स्ट्रेस से निकलना चाह रहा है, किसी बर्डनसम सिचुएशन से बाहर आना चाह रहा है। ठीक है, ये फ्री होना चाह रहा है, एक जीरो की एनर्जी, ये पर्सन एक फ्री फील करना चाह रहा है, एक फ्रीडम में आना चाह रहा है, क्योंकि वो सिचुएशन सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करती है, वो सिचुएशन सिर्फ इससे डिमांड करती है, ये उसकी डिमांड्स पूरी नहीं कर सकता। ठीक है, नीड, बिल्कुल इस पर्सन को नीड है आपकी, अगर आप लोग के बीच किसी तरीके की डिस्टेंस है, या तो आपने किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या आपने इस पर्सन को उसकी फैमिली की वजह से छोड़ दिया है, इसने किड्स की वजह से अपनी फैमिली को चूज़ करा या अपनी वाइफ को चूज़ करा, तो इस पर्सन को राइट नाउ आपकी नीड है, ये फ्री होना चाह रहा है उस सिचुएशन से, कम्प्लीटली उस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है, ठीक है, बाहर आना चाहता है उस सिचुएशन से, इस पर्सन को नीड है, वॉक अवे की बार बार एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर वॉक अवे कर रहे हैं किसी सिचुएशन से, मतलब कि किसी सिचुएशन को लेट गो करने के लिए रेडी हैं, कोई पास्ट मेमोरीज आपके पार्टनर की उस रिश्ते से रिलेटेड कनेक्टेड थी, ठीक है, आपके पर्सन का पास्ट कनेक्टेड था, कोई टॉक्सिक कार्मिक कनेक्शन हो सकता है वहाँ पर आपके पर्सन का, लेकिन एक वॉक अवे वाली एनर्जी है, आपके पार्टनर एक डिटैचमेंट चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को नीड है, आपकी एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, आपके पर्सन को नीड है इमोशनल सपोर्ट की, आपके पार्टनर को वहाँ पर जो एक इमोशनल सपोर्ट, जो इमोशनल टेक केयर होती है वो नहीं, वो कनेक्शन डिमांडिंग है। ठीक है, अगर वाइफ है तो मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालती है, वो इस पर्सन को समझने की कोशिश नहीं करती, अगर कोई टॉक्सिक टॉक्सिक मेल या फीमेल है वो एक डिमांडिंग है, ठीक है, डिमांड करता है, वो डिमांडिंग पर्सन है, वो इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करता, वो इस पर्सन को इसकी टेक केयर करने की कोशिश नहीं करता, इसको ये कहाँ स्टक हो रहा है इसको समझने की कोशिश नहीं करता, इस पर्सन को नीड है एक शेल्टर की। ठीक है, अगर इसने किसी और को चूज़ किया था आपके ऊपर, अगर ये नो कॉन्टैक्ट या आप लोग के बीच डिस्टेंस किसी और की वजह से आया था, तो आपके पर्सन को समझ में आ रहा है वो इंसान क्या चाहता है, शायद आपके पार्टनर ने उसको मौका दिया था फिर दोबारा, लेकिन उस इंसान ने आपके पर्सन को एक लेट डाउन फील कराया। ठीक है, क्लैरिफाई नीड, मैंने कहा ना आपके पर्सन को इमोशंस की नीड है, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, यहाँ पर ये पर्सन उस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, उस रिश्ते में स्टार्ट करना चाहता है जहाँ पर आपके पर्सन को एक रीबर्थ मिले, आपके पार्टनर को एक प्रोटेक्शन मिले, आपके पर्सन वहाँ पर एक्सपेंशन चाहते हैं, आपके पर्सन खाली जैसे कि ये नहीं बनना चाहते कि सिर्फ ज़रूरत का सामान नहीं बनना चाहते। ठीक है, आपके पार्टनर को ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पार्टनर एक ज़रूरत का सामान नहीं बनना चाहते, आपके पर्सन को इक्वल लव चाहिए, इक्वल बैलेंस चाहिए, इक्वल आपके पार्टनर को वो सब कुछ चाहिए, आपके पर्सन सिर्फ प्रोवाइडर नहीं बनना चाहते, रिश्ते में हैं तो मेल है या फीमेल है, देखिए फाइनेंसिस के हिसाब से डिफरेंट है, लेकिन एक इंसान आपके पार्टनर को सिर्फ यूज कर रहा है, किसी ने यूज किया है, वाइफ है, फैमिली है, किसी भी टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हैं, एक सेल्फिशनेस लोगों की आपके पर्सन ने देखी है। ठीक है, उस इंसान की सेल्फिशनेस देखी, आपके पर्सन ने शायद उसको चांस दिया था फिर आपको छोड़कर गए थे, उसकी मजबूरियां या उसके उसका उसके उसके साथ जो एक मेमोरीज कनेक्टेड थी, लेकिन वहाँ पे एक टॉक्सिसिटी है, वहाँ पे एक टॉक्सिक कनेक्शन है, यहाँ पे फैमिली भी हो सकती है, फैमिली चाहती थी आपके पार्टनर वो रिश्ता निभाएं, फैमिली चाहती थी आपके पार्टनर उस जगह जाके बैलेंस करें, आपके पार्टनर मजबूर हो सकते हैं अपनी फैमिली की वजह से, ठीक है यार वहाँ पर किड्स की वजह से, या फैमिली का वहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है उस रिश्ते में, तो आपके पर्सन ने ट्राई किया लेकिन वो रिश्ता नहीं चल सका। ठीक है, वो रिश्ता काफ़ी डिफिकल्ट रहा, वो रिश्ता काफ़ी प्रॉब्लमिस्टिक रहा, उस रिश्ते में वो चीज़ें नहीं आ सकी जो आपके पार्टनर को लग रहा था कि अब आ जाएंगी। ठीक है, ओके,
क्या आपके पार्टनर क्या अभी भी किसी और के साथ कनेक्टेड हैं? क्या आपके पर्सन उस रिश्ते को लेकर, उस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन के माइंड में क्या है? आपके पार्टनर के माइंड में उस रिश्ते को लेकर एक विक्ट्री, एक सक्सेस थी, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी, आपके पर्सन ने प्रैक्टिकल प्लान, कोई ना कोई वहाँ पर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होकर वहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करी थी, ठीक है? आपके पर्सन को एक टाइम पे वहाँ पर काफ़ी क्लैरिटी मिली थी, आपके पर्सन को ऐसा लगा था ये साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी एक सेल्फिश डिसीजन लिया था, ठीक है? ये जानता थे आपके पर्सन के आप डिस्टर्ब हो जाएंगे या आपका मेंटली आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आप किसी स्लीपलेस नाइट या आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं इस इंसान पे, ठीक है? आपके पर्सन के भी कहीं ना कहीं वहाँ पर एक मुफाद जुड़ा हुआ था, सेल्फिशनेस जुड़ी हुई थी। आपके पर्सन वहाँ एक सक्सेस देख कर गए थे, क्लैरिफाई विक्ट्री। अच्छी, देखते हैं आपके पार्टनर को मिला क्या वहाँ से, क्लैरिफाई विक्ट्री, स्टकनेस, ठीक है? आपके पर्सन उस रिश्ते में जाके खाली स्टक हुए, इमोशनल लॉस, स्लीपलेस नाइट। जो पर्सन आपको देकर गए थे, आपके पर्सन ने वहाँ एक विक्ट्री समझकर डिसीजन मेकिंग की थी। आपके पर्सन को लगा था वो सक्सेसफुल, आपके पर्सन का डिसीजन मेकिंग बहुत एक ब्राइट फ्यूचर लेकर आएगा ये डिसीजन, ठीक है? आपके पर्सन वहाँ पर इमोशनल इमोशनली जैसे आपके पर्सन को लेफ्ट इन द कोल्ड फील कराया गया, आपके पार्टनर को एक होपलेस कर दिया गया, ठीक है? एक स्टक कर दिया गया, स्लीपलेस नाइट आपके पर्सन गुजरे हैं, स्लीपलेस नाइट से बहुत डिस्टर्ब रहे हैं। ये मेल है या फीमेल है, ये आपको छोड़कर किसी और पर्सन की तरफ एक मनी, फाइनेंसिस, किसी भी वजह से, ब्यूटी या तो किसी भी वजह से, एक फैमिली बैकग्राउंड या अपनी फैमिली जैसे किसी की भी वजह से ये पर्सन कहीं और गया था, तो इस पर्सन ने एक कार्मा फेस करा है उस सिचुएशन से, एक कार्मिक सिचुएशन को अपनी लाइफ में। बहुत प्रैक्टिकल फैसला था आपके पार्टनर का वहाँ पर, लेकिन आपके पर्सन ने वहाँ पर एक कर्मा फेस करा है, स्लीपलेस नाइट, डिफरेंट। आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू ऑफ वर्थ समझ में आई है, आपके पर्सन को आपकी नीड है, आप एक एम्प्रेस है इस पर्सन की लाइफ की, ठीक है? बर्डन, आपके पर्सन किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, वो सिचुएशन को लेकर काफी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। यहाँ पे हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, आपके पर्सन का जैसे कि दिल टूटा हुआ है, काफी सेंसिटिविटी, आपके पर्सन के जैसे एक प्रैक्टिकल साइड रिमूव ही हो चुकी है। इतने आपके पर्सन प्रैक्टिकल होके वो डिसीजन मेकिंग करा, तो आपके पर्सन को समझ में आया दिल के फैसले हमेशा इमोशनल होते हैं, वो सेंसिटिविटी से होते हैं, वो एक डीप इमोशन से कनेक्ट किया जाता है। पार्टनर हमेशा इमोशन से चूज किया जाता है, एक फाइनेंसिस फाइनेंशियल डील करी जाती है प्रैक्टिकल माइंडसेट से। आपके पर्सन का हार्ट ब्रेकन है, हार्ट ब्रोकन हुआ हुआ है, ठीक है? ये पर्सन डिस्टर्ब है। यहाँ पर आपके आपके पार्टनर को अबंडेंस लाइफ दिखी थी, लेकिन वो चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, असेंशन, द वर्ल्ड, कुछ क्लोजर मिल चुका है आपके पर्सन को, जैसे कि वहाँ जाने का नतीजा मिल चुका है। सेल्फ विक्टिमाइज, आपके पर्सन एक सेल्फ विक्टिमाइज की एनर्जी में है, लेट गो कर रहे हैं किसी सिचुएशन को। ये पर्सन एक शेडो साइड को, अपनी डार्क साइड को फेस कर रहा है। आपके पर्सन ने यहाँ पर बहुत डार्क साइड, एक डार्क अपने डार्क साइड से कनेक्ट कर कर वो फैसला लिया था, ठीक है? सेल्फ विक्टिमाइज कर रहा है ये पर्सन अपने आप को, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ हुआ है। इस पर्सन को लगा था अबंडेंस है वहाँ पर, पीस है वहाँ पर, लेकिन वो फेस कंप्लीट हो चुका है। आपके पर्सन उस सिचुएशन को कम्प्लीटली लेट गो कर कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर आपके पार्टनर ने किसी और चीज़ को चूज कर लिया था, ये पर्सन इस रिश्ते को फील कर रहा है, इस रिश्ते में कोई होप तलाश करना चाहता है, इस रिश्ते में एक एक्सपेंशन चाहता है, ये आपको मिस कर रहा है। अगर इसने आपको बहुत इमोशनल कह के या तो आपको बेवकूफ़ कह के अपनी लाइफ से निकाला था, तो इस पर्सन को समझ में आ रहा है आप बेवकूफ़ नहीं थे, आप मेच्योर थे, आपने अपने इमोशंस के बल पे रिश्ते को चूज किया था आपने, ठीक है? और ये आपका सही फैसला था, और आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल फैसला किया था, और आपके पर्सन को वहां से भी वही मिला जो आपके पर्सन ने जिस तरीके का डिसीजन लिया था। क्लैरिफाई बर्डन, कि आपके पर्सन आपको रिजेक्ट करने का बर्डन फील कर रहे हैं, इस रिश्ते में बैलेंस ना करने का बर्डन फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपका ऑफर रिजेक्ट किया था, ठीक है? आपके पर्सन आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आपने बहुत टाइम वेट करा ये ऑफर देने के बाद, इस पर्सन का ये पर्सन कब तक एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, इस ऑफर को। आपके पर्सन काफी कोल्ड रहे, आपको बहुत ब्लंट बिहेवियर मिला, आपके पार्टनर का ध्यान आपको छोड़कर कहीं और जरूर ज्यादा रहा, आपको कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ रही थी, आपको क्लैरिटी शायद बहुत देर से मिली, आप कंफ्यूज रहे बहुत लॉन्ग टाइम तक, तो इस वेटिंग एनर्जी में रहे, लेकिन यहाँ पर आपको आहिस्ता आहिस्ता एक बैक स्टेपिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, लेट नाइट सोचते रहना, तो एक ओवर थिंकिंग ने आपको कहीं ना कहीं क्लियर करता गया, आपकी सोचें आपको क्लियर करती गई, यहाँ पर कुछ और ज़रूर चल रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ और ज़रूर था, लेकिन वो खत्म हो चुका है। आपके पर्सन स्ट्रेस में है, बर्डन सम सिचुएशन, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको रिजेक्ट किया है। आपके पर्सन आपको विश समझ रहे हैं, एक लवर की एनर्जी, आपके पर्सन आपके साथ एक मैरिज, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट चाहते हैं, फोर ऑफ वेंस की स्टेबल आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन को एक स्ट्रेसफुल लग रहा है। आपको अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना या ये बताना कि अब आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, या ये बताना कि आपके पार्टनर आपको एज अ परफेक्ट पार्टनर लवर की एनर्जी में देख रहे हैं,
मतलब कि आपको अपने काउंटर पार्ट, एक अपना स्पाउस, एक सोलमेट काइंड एनर्जी में देख रहे हैं, इस पर्सन को बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आपके पर्सन ने बहुत बैड बिहेवियर करा है पास्ट में आपके साथ, बहुत मतलब कि आपके पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा बैड था, आपके पर्सन की अप्रोच आपके साथ बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक रही है। जब भी आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच करा पास्ट में, बहुत टॉक्सिक वे में करा, ठीक है, मतलब के तहत करा, तो इस पर्सन को एक स्ट्रेस फील हो रहा है। ये पर्सन ये सोचकर भी डर रहा है कि ये पर्सन आपको विश फुलफिलमेंट समझ रहा है, ये आपको एक अपना एक लवर की एनर्जी में देख रहा है, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था आपको एज अ लवर, एज अ लाइफ पार्टनर, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ राइट नाउ ड्रीम देख रहा है स्टेबिलिटी के, मैरिज के, कमिटमेंट के, ठीक है, बिल्कुल चीट किया है और उस चीट का जवाब आपके पार्टनर को जैसे कि कार्मिक सिचुएशन से मिला है। ओके, आपके पार्टनर आपसे रिलेटेड क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन तो उस चीज़ से निकलना चाहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन ने बहुत सोच कर समझ कर स्टक रह कर उस सिचुएशन में देख लिया लेकिन आपके पर्सन को कुछ नहीं मिला। बैलेंस, जस्टिस, आपके पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं, ये पर्सन चाहता है आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट हो, ये पर्सन आपको जस्टिस दे, ठीक है, इस सिचुएशन में ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन को, रिश्ते को अच्छा करना चाहता है। क्लैरिफाई बैलेंस, क्लैरिफाई बैलेंस, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहता है, एक फेस न्यू स्टार्ट करना चाहता है लेकिन एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, इस पर्सन ने ख़त्म किया था ये रिश्ता आपके साथ, इस पर्सन ने खुद डोर कट की थी, आपको हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में डाला था, आपके ऊपर थर्ड पार्टी लाया था या आपको हर्ट किया था बुरी तरीके से, इसने आपको पेन दिया था, ठीक है, लेकिन ये पर्सन जैसे कि इसकी सोच है वो पेन सोच रही है, वो मैम इसको एक रिकॉल कर रहा है, वो सारा इसका बिहेवियर, वो पैटर्न, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ये बैलेंस चाहता है लेकिन इसको नहीं पता ये कैसे आया, इसने अपने आप को होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ये आपको चाहकर भी अप्रोच नहीं कर पा रहा, ये चाह रहा है कि आपको अप्रोच करे, ठीक है, ये सारा खौफ, ये डर खौफ अपने दिल दिमाग से निकाले और आपको अप्रोच करे लेकिन जैसे कि ये समझ नहीं पा रहा आपको अप्रोच किस तरीके से करे, इसके पास इतना करेज नहीं है, ठीक है, अपने आप को होल्ड करके बैठा हुआ है। जस्टिस, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है डिवाइन जस्टिस यही है, ठीक है, इमोशनल मैच्योरिटी, आपके पर्सन इमोशनली काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं, इमोशनल डिसीजन मेकिंग, लीप ऑफ, टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है, ये पर्सन लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, इस पर्सन को गाइडेंस भी मिल रही है सृष्टि से रिलेटेड, कंपैशन, ठीक है, ये पर्सन काफ़ी एम्परर, बहुत ईगोस्टिक पर्सन रहा है ट्रांजिशन, आप लोग के आपके पर्सन एक इस एम्परर का एक मतलब के मतलब के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस एम्परर का ईगो ब्रेक हो रहा है, इस पर्सन ने आपके साथ जो किया वो किसी और के लिए भी किया और अपने ईगो को बहुत मेंटेन रखा, इस पर्सन का ईगो ब्रेक हो रहा है, इस पर्सन को अपना ईगो को ब्रेक करना पड़ेगा आपको अप्रोच करने के लिए, ठीक है, टेक द लीप, ये पर्सन अपने ईगो को साइड कर एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है क्योंकि इस पर्सन का विजडम कह रहा है एक्शन लो, मूवमेंट करो, जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ो, इस पर्सन को पुश किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, एक इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहा है, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल मेच्योरिटी, मास्टर ऑफ इमोशंस, ठीक है, इस पर्सन ने जैसे कि मास्टर किया है इमोशंस पे, ये पर्सन एक एस ऑफ पैंटिकल, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपको कुछ स्टेबल, ग्राउंडेड और बैलेंस देना चाहता है, टेन ऑफ पैंटिकल, ये पर्सन इस रिश्ते को अपनी लाइफ में वापस चाहता है लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी के साथ, इस रिश्ते की हीलिंग, बैलेंस, लोग इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप शायद पहले से ही जानते थे इस रिश्ते में मेहनत करना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कहीं ना कहीं ये लोग इसके इसके बिहेवियर, इसके पैटर्न, इसका एक गोस्टिंग नेचर, लोग इसके बारे में बातें करते हैं, ठीक है, इसका सब कुछ, इसका गुरूर ब्रेक हुआ है, जिन लोगों से ये इसने शायद आपके बारे में बात करी या जिन लोगों के बीच बैठकर बात करी, एक टावर मोमेंट इसका जैसे कि हिट कर रहा है, ये आपको गोस्ट जब कर रहा था इसने कुछ ना कुछ लोगों से कहा था, अब इसको उन लोगों की भी फिक्र है, ये आपकी तरफ वापस आ रहा है, इसने आपको बहुत आपकी इमेज को बहुत गलत पोर्ट्रे किया था, इसने बहुत गलत तरीके से आपकी इमेज को रखा था लोगों के सामने कि आप इसको चेस करते हैं, आप एक चिप्पू हैं, या तो आप इसको मतलब कि आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं इस इंसान के लिए, तो यहाँ पर कुछ किसी तरीके का एक हैवी स्ट्रेस है इसके अंदर, इसकी अपनी गलतियाँ, अपनी मिस्टेक्स सामने आ रही हैं, ठीक है, इसके अपने डिसीजन इसके सामने आ रहे हैं,
हो क्या सकता है इस रिश्ते का फ्यूचर, लेकिन आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, एक इमोशनली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपको कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को वापस चाहते हैं लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि आपके पर्सन समझते हैं आपकी मेच्योरिटी लेवल डिफरेंट है। ठीक है, आप स्टार्टिंग से यहाँ पर जो डिमांड कर रहे थे, अगर ये आपको दे देता है, अगर ये आपको रिस्पेक्ट सोसाइटी में एक्सेप्टेंस दे देता है, तो शायद आप वापस आ सकते हैं, अदरवाइज अब आपको वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। और ये इस रिश्ते को अपनी लाइफ में बाय होकर को चाह रहा है। ठीक है, इसको लग रहा है कि ये आपको जाने नहीं दे सकता, आपके जैसा इंसान नहीं, आपके जैसा इंसान मिलना मुश्किल है। अच्छी हो क्या सकता है, यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर क्या आप लोग के रिश्ते में होने वाला है, यूनिवर्स इस रिश्ते में बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं इस रिश्ते को। ठीक है, अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, यूनिवर्स यहाँ पर पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटीज मैनिफेस्ट हो रही है, स्ट्रगल, लेकिन आपके पर्सन को स्ट्रगल करनी पड़ेगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं, आपके पार्टनर को ये बताया जा रहा है स्ट्रगल करो, तुमने इसको जितनी जल्दी इस रिश्ते को ना किया था, मना किया था, इसमें मेहनत करने से मना किया था, आपके पार्टनर को ये रिश्ता मिलेगा लेकिन मेहनत करके, टीचिंग, आपके पर्सन एक टीचिंग से गुजर रहे हैं, मतलब कि आपके पर्सन को एक लेसन लर्न हो रहा है, आपके पर्सन को स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ठीक है, रीयूनियन ऑफ सोल, यूनिवर्स यहाँ पे आप दोनों का रीयूनियन चाहते हैं, बैकग्राउंड में एक रीयूनियन के लिए काम किया जा रहा है, हीलिंग एनर्जी आपको कहा जा रहा है, अपनी एनर्जी को हील करें, पीस में रहें और लेटिंग गो, लेट गो करें फिलहाल के लिए सिचुएशन को, मत सोचें इस सिचुएशन के बारे में, अगर आपको लगता है कि आप सोच रहे हैं, सेल्फ लव आपके लिए एडवाइस है, आपको सेल्फ लव करना चाहिए, लेट गो करें इस सिचुएशन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने इनर जर्नी, आपको यहाँ पर अपने इनर सेल्फ पे काम करना ज़रूरी है, इनर इस पे, ठीक है, मतलब कि अपना इनर सेल्फ को वैल्यू करें, परसेप्शन, अपना परसेप्शन बदलें, अपना अपना नज़रिया बदलें, चेंज, किसी तरीके का चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप अपना परसेप्शन बदलें, अपना माइंडसेट बदलें, ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में ये सब इस वक्त इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चेंज आ रहा है बैकग्राउंड में, आपको कुछ फोर्सफुली करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, आपको हीलिंग पे ध्यान देना है, आपको नेगेटिव थॉट्स को लेट गो करना है, आपको सेल्फ लव में ऑपरेट करना है, आपको इनर जर्नी, अपनी इनर जर्नी पर ध्यान देना है। ठीक है, एक परसेप्शन, आपका यिंग और यांग, आपको अपने इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड को बैलेंस करना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं रहना, आपके लिए हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने इमोशंस को हील करें, आप दूर बैठकर जरूर उस पर्सन को कहीं ना कहीं से देख सकते हैं, लेकिन अपनी हीलिंग को आप अपने अपनी हीलिंग पे फोकस करें, जितना आप हील होंगे इस पर्सन का ध्यान आपके ऊपर जाएगा, ये आपकी लाइफ में आना चाहेगा, ये आपको अप्रोच करना चाहेगा, जितना आप शाइन करेंगे उतना आपकी उतना इस पर्सन का ध्यान आपकी तरफ रहेगा। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।